नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दो आरोपी पकड़े गए। सोमवार देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से दोनों को अरेस्ट किया है। इनकी पहचान विक्की साहेब गुप्ता और सागर श्री जोगेंद्र पाल के तौर पर हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें आज मुंबई लाया जाएगा। इन दोनों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे फायरिंग की थी। दोनों बाइक पर सवार होकर आए और 4 राउंड फायर किए। फायरिंग के वक्त सलमान अपने घर में ही थे। घटना के बाद सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एक CCTV फुटेज में दिख रहा है कि दोनों आरोपियों ने स्पोर्ट्स कैप पहन रखी हैं और कंधे पर बैग टांगा हुआ था। इस फुटेज में दोनों सलमान के घर की तरफ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी लॉरेंस गैंग का हिस्सा हैं। खान को लॉरेंस गोल्टी बराड गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी। फायरिंग की घटना के बाद लॉरेंस के भाई अनमोल ने एक ऑनलाइन पोस्ट में इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी। उसने इस वारदात को ट्रेलर बताया और सलमान को वार्निंग दी। हालांकि पुलिस ने इस पोस्ट की पुष्टि नहीं की है। लॉरेंस कई हाई प्रोफाइल लोगों के मर्डर के आरोप में इस वक्त तिहाड़ जेल में है। दोनों आरोपी पनवेल के राधाकृष्ण अपार्टमेंट में रहते थे। यह भी संदेह जताया जा रहा है कि सलमान के घर पर हमले से पहले उन्होंने उनके लोनावला स्थित फार्म हाउस की रेकी भी की थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।